हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ पंकज पठानिया। और बच्चों, आज मैं आप बच्चों के लिए जो टॉपिक लेके आया हूँ वो है गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन फॉर पोजीशन, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। और ये बच्चों, हमने स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी लास्ट हमने जो मेरा वीडियोस था उसमें हमने इंट्रोडक्शन ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पढ़ा था बच्चों। उसका जो नेक्स्ट वाला टॉपिक है वो है गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। और लास्ट टॉपिक में थोड़ा सा हमने डिस्कस किया था फ्रेम ऑफ मींस रेफरेंस के बारे में, व्हाट इज़ द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमने डिस्कस किया था, इट इज़ द कोऑर्डिनेट सिस्टम, जो कि किसी कोई भी यदि इवेंट अकर हो रहा है उसकी पोजीशन और टाइम कोऑर्डिनेट्स या पोजीशन और टाइम कोऑर्डिनेट हमें पता करना है तो हमें कोई एक रेफरेंस फ्रेम की जरूरत पड़ती है, एक कोऑर्डिनेट सिस्टम की जरूरत पड़ती है जिसे हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलते हैं। तो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में डिस्कस किया था कि नथिंग इज एब्सोल्यूट, एवरीथिंग इज रिलेटिव। तो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आइंस्टाइन ने दी थी, ठीक है। तो क्लासिकल फिजिक्स जो कि न्यूटोनियन मैकेनिक्स का जो था वो लो वेलोसिटी में इफेक्टिवली काम कर रहा है। जब वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल विल बी मोर इज अप्रोचिंग टुवर्ड सी, देन जो हमारा क्लासिकल फिजिक्स है, न्यूटोनियन फिजिक्स है, वो फेल हो रही थी। तब आइंस्टाइन ने फिर स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी। तो इसका मतलब है कि नथिंग इज एब्सोल्यूट, एवरीथिंग इज रिलेटिव। रिलेटिविटी का मतलब है रिलेटिव। तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे फ्रेम ऑफ रेफरेंस की। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब है कि कोई भी इवेंट अकर होगा तो वो ऑब्जर्वर डिपेंडेंट होगी, उसकी जो पोजिशन और टाइम कोऑर्डिनेट है वो क्या होंगे, ऑब्जर्वर डिपेंडेंट होंगे। इसका मतलब ये हो गया कि फ्रेम ऑफ मीन्स कि हाँ, यहाँ हम डिस्कस करेंगे। तो हमें स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में तीन चीज़ों का बच्चों ध्यान रखना है। एक है रेस्ट फ्रेम एस, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है ओ, दैट इज ये हमारे पास फॉर एग्जांपल रेस्ट पे कोई ऑब्जर्वर है, ठीक है बच्चों। तो एस फ्रेम इज द रेस्ट फ्रेम और एस डैश फ्रेम इज मूविंग फ्रेम जो कि वेलोसिटी वी से मूव कर रहा है, ध्यान रखना। तो ये कोई ऑब्जर्वर मूव कर रहा है, ठीक है, विद कांस्टेंट वेलोसिटी वी, और ये एस डैश फ्रेम है और एक है इवेंट दैट इज पी। तो ये रेस्ट फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, एस डैश इज मूविंग फ्रेम है और ये कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ बात कर रहे हैं, जो कि हमने बात कर दी थी कि स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में हम इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात करते हैं। और इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होती है, इट इज अनएक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, कोऑर्डिनेट सिस्टम है विद रेस्पेक्ट टू, जिससे कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट की या किसी भी इवेंट का पोजिशन और टाइम कोऑर्डिनेट मेजर करते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे पूरी के पूरी स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो है वो डेवलप की गई है यूजिंग इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, दैट इज द अनएक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जिसमें क्या है, न्यूटन्स के सारे जो लॉज हैं वो इस इनर्शियल फ्रेम में वैलिड हैं बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पे पी है पोजिशन कोऑर्डिनेट एक्स बाई एन जेड एन टी, दैट इज मेजर बाई द एस फ्रेम, और पोजीशन ऑफ द एनी इवेंट पोजीशन टाइम एक्स डैश बाई डैश जेड डैश एंड टी डैश इज मेजर बाई द मूविंग फ्रेम एस डैश, दैट इज मूविंग विद कॉन्स्टेंट वेलोसिटी वी रिलेटिव टू द रेस्ट फ्रेम। अच्छा, अब इन दोनों ये दो ऑब्जर्वर ओ एंड ओ डैश पे जो बैठे हैं दोनों, ये जो किसी इवेंट को मेजर कर रहे हैं, तो एक दूसरे को करेक्ट करने के लिए हमें एक ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन चाहिए। और क्लासिकल फिजिक्स में जो है वो बेसिकली गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन है, ठीक है। तो ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन का मतलब कि एक यदि ऑब्जेक्ट फॉर एग्जाम्पल आप बच्चे रूम में बैठे हैं, ठीक है, आप अपने घर में बैठे हैं, और ये एक जो स्टूडेंट और है जो कि ट्रेन में मूव कर रहा है, तो दोनों कोऑर्डिनेट सिस्टम अलग अलग हैं, तो ये कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ ट्रेन मूव कर रही है रिलेटिव टू द रेस्ट फ्रेम, तो ये क्या है, इनर्शियल फ्रेम है। तो कोई इवेंट अकर हो रहा है ट्रेन के बाहर, उसको मेजर कर रहे हैं उसकी पोजीशन एंड टाइम को,
दोनों ऑब्जर्वर। तो इन दोनों ऑब्जर्वर ने क्या मेजर किया, इसको कनेक्ट करने के लिए हमें ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन की हम बात करते हैं, पोजीशन, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, जो जो कि अक्सर हमारे एग्जामिनेशन में बच्चों पूछा जाता है। तो अब इसी से हम आगे कंटिन्यू करें इस टॉपिक को कि द इक्वेशन रिलेटिंग द टू सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑफ एन इवेंट इन द टू डिफरेंट फ्रेम ऑफ रेफरेंस आर कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। ठीक है बच्चों, इन क्लासिकल फिजिक्स और इन न्यूटोनियन फिजिक्स वेयर स्पीड ऑफ द ऑब्जर्वर और ऑब्जेक्ट इज वेरी स्मॉल कंपेयर टू सी द रेलिवेंट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन कॉल्ड द गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। और हम आगे डिस्कस भी करेंगे कि यदि वेलोसिटी सी की तरफ अप्रोच करेगा तो हमें गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन की यूज नहीं, हमें फिर लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन का यूज करना पड़ेगा, क्योंकि गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन जो थी वो लो वेलोसिटी के लिए ही एप्लीकेबल थी। और ये जो आइंस्टाइन का सेकंड पॉसिबिलिटी है कि द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस इज सेम फॉर द ऑल द ऑब्जर्वर, वो इस गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन के अकॉर्डिंग वो फेल हो रहा था, उस पॉसिबिलिटी को वो मान नहीं रहा था, मतलब कि उसको फॉलो नहीं कर पा रहा था। इसलिए फिर लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो हम बात करेंगे। ठीक है, तो पहले हम इस गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन को समझ लें बच्चों। तो अब सपोज करो कि हमारे पास ये जो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है और इनको कनेक्ट करने के लिए हमें ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, अब ये इवेंट है पी, पी पोजीशन है कोई भी इवेंट की, इवेंट कुछ भी है, कोई वर्ड फ्लाई कर रहा है। ठीक है, ये सपोज करो कि ट्रेन में कोई पर्सन है कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है और ये प्लेटफॉर्म पे है, कोई पर्सन रेस्ट पे, इस इवेंट को मेजर कर रहा है। अब इन दोनों फ्रेम को कनेक्ट करने के लिए हमें ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन की जरूरत है। तो यहाँ से देखिए, एस फ्रेम जो कि रेस्ट फ्रेम है वो मेजर कर रही है पोजीशन, दैट इज एक्स बाई जेड एंड टी। ठीक है, और एस डैश क्या मेजर करें इवेंट को, दैट इज मूविंग फ्रेम विद कांस्टेंट वेलोसिटी, और ये हम बात करेंगे, ये मेजर कर रही है एक्स डैश बाई डैश जेड डैश एंड टी डैश। तो गैलीलियम के अकॉर्डिंग टी इज इक्वल टू टी डैश, टाइम इज एब्सोल्यूट अकॉर्डिंग टू द इसके गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन के अकॉर्डिंग क्लासिकल फिजिक्स। ये जो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन है वो न्यूटोनियन मैकेनिक्स पे बेस्ड है। ठीक है, तो अब t इज इक्वल टू टी डैश है। अब हम क्या करेंगे बच्चों, अब इस रेस्ट वाले ने इसका इवेंट मेजर किया और ये वेलोसिटी v से मूव कर, तो x डैश क्या होगा, दिस इज एक्स डैश। अब हम बात करेंगे कि जो एस डैश है दैट इज मूविंग फ्रेम अलोंग एक्स एक्सिस, हम पहले मान लेते हैं कि एक्स एक्सिस की तरफ ये मूव कर रहा है, ये एक्स एक्सिस की तरफ मूव कर रहा है, पहला हम केस लेते हैं कि इट इज मूविंग अलोंग द एक्स एक्सिस। तो क्या होगा, एक्स डैश कितना होगा बच्चों, एक्स डैश इज एक्स माइनस वी टी, ये टोटल कितना हो गया, वी टी हो गया, मतलब यहां से ये एक्स डैश है एक्स डैश, और यहां से बच्चों ये एक्स डैश इस वाले फ्रेम की पोजीशन है, तो इस वाले फ्रेम की पोजीशन कितनी होगी जरा मुझे बताना, डैट इज एक्स। ठीक है, तो टोटल क्या हो गया, ये एक्स एक्सिस की तरफ है, तो टोटल और एक्स डैश एक्स एक्स माइनस बी टी, भाई ये टोटल एक्स डैश कितना हो गया, टोटल एक्स माइनस बी टी, वी इज द वेलोसिटी एट टाइम टी, तो ये हो गया एक्स डैश एक्स माइनस वी टी, ये हो गया पोजीशन जो हमारे पास इन गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन फॉर द पोजीशन। तो पोजीशन की हम बात कर रहे हैं यहां पे। अच्छा, अब मुझे ये बताइए कि बाई एक्सिस में क्या होगा, दैट इज बाई डैश इज इक्वल टू बाई जेड डैश इज इक्वल टू जेड, ये हो गया पोजीशन कोऑर्डिनेट, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इन पोजीशन, बाई डैश इज इक्वल टू बाई जेड बिकॉज क्यों, और टी डैश जो हमेशा टी ही रहेगा अकॉर्डिंग टू द गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन।
तो ये पोजीशन की हमने यहाँ पे बात कर ली। तो फर्स्ट केस में पोजीशन का हमारा हो गया, तो ये गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। अब इसका इन्वर्स करें तो, यदि इन्वर्स करें तो क्या होगा, एक्स इज इक्वल टू, यदि हम ये सपोज करो कि एक्स ये जो रेस्ट वाले ने कोई ऑब्जर्व किया इवेंट, तो एक्स डैश ने क्या ऑब्जर्व किया, वो ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन एक्स डैश इक्वल एक्स माइनस वी, मतलब कि यदि वेलोसिटी वी हमें पता है, टाइम पता है, और एस वाले फ्रेम ने कोई उसकी पोजीशन को मेजर किया है, तो एक्स डैश उसको मेजर कर लेगा। ठीक है, तो ये ट्रांसफॉर्म कर दिया, एक ऑब्जर्वर ने मेजर किया तो दूसरे ऑब्जर्वर को हम क्या उसने मेजर किया उसकी पोजीशन, तो वो यहां से पता लगा सकते हैं। यही ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन की का यूज है। ठीक, अब हम बात करते हैं वेलोसिटी का। भाई हमने ये मान के चले हैं कि ये एक्स एक्सिस की तरफ ये मूव कर रहा है, ये जो फ्रेम एच डैश है। ठीक है बच्चों, अब वेलोसिटी की बात करें तो हम यहां से डी एक्स डैश, इसको डिफ्रेंशिएट करिए, डी टी डैश इज इक्वल टू, इसका टोटल डेरिवेटिव कर दें हम, डी एक्स डैश डी एक्स माइनस वी डी टी। ठीक है, तो यहां से डी एक्स डैश अपॉन डी टी इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी माइनस वी, डिफ्रेंशिएट कर देंगे हम इसे। ठीक है, अब इसको करें और यहां से डी, यहां से अब यहां से डी एक्स क्या होगा जरा मुझे बताना, डी एक्स डैश तो ये हो जाएगा हमारे पास, क्योंकि डी टी इज इक्वल टू टी डैश है, तो ये डी टी डैश हो जाएगा, तो इसको हम क्या कर देंगे, डैट इज यू डैश एक्स इज इक्वल टू यू एक्स माइनस बी, एंड यू वाई इज यू डैश वाई इज इक्वल टू यू वाई, यू डैश जेड इज इक्वल टू यू जेड। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि जो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन जो है, इन फॉर्म ऑफ वेलोसिटी हम बात कर सकते हैं, डैट इज यू डैश एक्स इज इक्वल टू यू एक्स माइनस वी हो इक्वेशन। ये इसको हम इक्वेशन में टू लिख लें, और ये गैलीलियन ये क्या है, वेलोसिटी के टर्म में जब हम मूव करें, तो यू डैश एक्स यू एक्स माइनस वी, यू डैश वाई इज इक्वल यू वाई, यू डैश जेड इज इक्वल टू यू जेड हम यहां पे बात करेंगे। तो ये है वेलोसिटी के टर्म में, जब केस है जब एक्स एक्सिस की तरफ ये मूव कर रहा है। ठीक है बच्चों, तो हमने कुछ नहीं किया, इस वाली इक्वेशन वन को डिफ्रेंशिएट कर दिया टाइम के साथ, सिंपल सी बात है। अब हम बात करते हैं थर्ड इज एक्सेलरेशन। अब बात करते हैं, इसका मतलब है कि वेलोसिटी इज इनवेरिएंट अंडर द गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, वेलोसिटी इज नॉट इनवेरिएंट अंडर द गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, क्योंकि वेलोसिटी जो है वो ऑब्जर्वर के लिए अलग अलग है, सेम नहीं है। ये जो वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल है वो मेजर की है एस फ्रेम वाले ऑब्जर्वर ने, रेस्ट वाले ने, और ये यू डैश एक्स किसने मेजर किया है, वो है मूविंग वाले ऑब्जर्वर, और बी इन दोनों के बीच में रिलेटिव वेलोसिटी है एट एनी टाइम टी। ठीक है, तो इसका मतलब है कि अलग अलग है दोनों के लिए, माइनस वी का अंतर है ये मान लो। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि शो दैट अकॉर्डिंग टू गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन द वेलोसिटी इज नॉट इनवेरिएंट अंडर द गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। अच्छा, अब बात करते हैं एक्सेलरेशन की बच्चों, अब बात करते हैं एक्सेलरेशन की। क्या एक्सेलरेशन, अब क्वेश्चन कैसे था, शो दैट द एक्सेलरेशन इज इनवेरिएंट अंडर द गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, अंडर गैलीलियम जीटी हम लिख लें। ठीक है, तो एक्सेलरेशन इज इनवेरिएंट अंडर द गैलीलियन। अब क्या करें, डिफरेंशिएट इक्वेशन टू अगेन, मतलब एक बार इक्वेशन टू को हम डिफरेंशिएट, तो ए डैश एक्स इज इक्वल टू ए एक्स, इसको क्यों, वी तो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है क्योंकि हम यहां पे इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात कर रहे हैं, एंड ए डैश बाई इज इक्वल टू ए बाई, एंड ए डैश जेड इज इक्वल टू ए जेड। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया, दैट इज इक्वेशन नंबर थ्री, इसका मतलब हो गया ए डैश इज इक्वल टू ए,
इसका मतलब ये हुआ कि एक्सेलरेशन इज इनवेरिएंट अंडर द गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। ये तो हमने मान लिया केस है कि जब वो एक्स एक्सिस की तरफ मूव कर रहा है, यदि बाई एक्सिस की तरफ भी मूव करें मतलब एट एनी डायरेक्शन एक्स बाई जेड, यदि हम बोले कि एक्स बाई एंड दैट इज जेड, अब जो है ये जो फ्रेम है वो किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकती है, तो क्या होगा यदि वो किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकती है, तो यदि हम यहां से बात करें इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस को हम बात करें कि वो किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकती है, तो हम कैसे बनाएंगे, ये हमारे पास फ्रेम ऑफ रेफरेंस है एस डैश, ये है ओ डैश, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास, दिस इज वी एक्स टी, ठीक है, ये हो गया बी जेड टी, और ये कितना हो गया वी बाई टी। यदि ये बात करें तो ये हो गया हमारे पास दोनों के बीच का बी जेड टी, ठीक है बच्चों। तो इसको हम इस तरह से लिख लें, ये वाले तो क्या होगा यदि ये ऑब्जर्व, यदि ये फ्रेम किसी भी डायरेक्शन में मूव करेगी तो ये वाला रिलेशन क्या हो जाएगा, देखिए बिल्कुल सिंपल है, इसको हम ऐसे लिख लें बी डैश डैट इज बी एक्स टी बाई इक्वल टू माइनस बी वाई टी और जेड डैश इक्वल टू जेड माइनस बी जेड टी, ये कर लिया। अब इसको जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डिफ्रेंशिएट करने के बाद, क्योंकि वी जो है डैट इज आई वी एक्स प्लस जे बी वाई प्लस के वी जेड, एक वेक्टर के फॉर्म, ठीक है बच्चों। तो यहां पे देखिए ये डी एक्स डैश हो गया, तो अगेन सेम यहां प्रोसेस होगा, दैट इज डी बाई डैश अपॉन डी टी डैश इज इक्वल टू डी बाई अपॉन डी टी माइनस वी, ये हो गया एक्स एंड दैट इज बी वाई, और डी जेड डैश अपॉन डी टी डैश इज इक्वल टू डी जेड अपॉन डी टी माइनस बी जेड, ठीक है। तो टोटल हमारे पास क्या आएगा, फिर हमारे पास जो वेलोसिटी वाला क्या आएगा, डैट इज यू एक्स डैश इक्वल टू यू एक्स माइनस वी एक्स, यू डैश बाई इज इक्वल टू यू बाई माइनस बी बाई, यू डैश जेड इज इक्वल टू यू जेड माइनस वी जेड, ये आ गया इक्वेशन नंबर टू व्हेन इट इज मूविंग ऑन द रैंडम डायरेक्शन। तो इसको हम सिंपलीफाई लिख सकते हैं u डैश इज इक्वल टू यू माइनस वी, सिंपलीफाई तरीके से जनरलाइज तरीके से हम लिख सकते हैं कि जो वेलोसिटी है जो दैट इज u डैश इक्वल टू यू माइनस वी, ये क्या है वेलोसिटी मेजर, जो इवेंट की जो वेलोसिटी है मेजर बाय द रेस्ट फ्रेम और ये मूविंग फ्रेम, और v क्या है रिलेटिव वेलोसिटी। और इसी तरह से एक्सेलरेशन में भी हम बात करेंगे, तो एक्सेलरेशन में भी इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे तो अगेन इट कम बैक टू दिस फॉर्म, और ए डैश इक्वल टू ए जो है वो हमारे पास इनवेरिएंट होगा, क्योंकि बी एक्स बी वाई बी जेड कॉन्स्टेंट है, तो जब हम इसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो ये एक्सेलरेशन ए डैश एक्स इक्वल टू ए एक्स आ जाएगा टाइम के साथ, तो वेलोसिटी को टाइम के साथ करेंगे तो एक्सेलरेशन ए डैश एक्स इज इक्वल टू ए एक्स, ए डैश बाई इज इक्वल टू ए बाई एंड ए डैश जेड इज इक्वल टू ए जेड आ गया। तो इसका मतलब ये हो गया कि द एक्सेलरेशन इज इनवेरिएंट अंडर द गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। केस वन में यदि एक्स एक्सिस की तरफ मूव कर रहा है, इस सब डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो हम क्या बोलेंगे बच्चों, ठीक है। तो ये हमारे पास ये डैट इज बी बाई, ये बाई डायरेक्शन की तरफ ध्यान रखना चीजें, तो इसका मतलब तो हमारे पास अब अच्छा अब हम बात करेंगे गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन के फेलियर क्या थे, फेलियर ऑफ गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। तो हमारे पास वेलोसिटी को तो हमें पता चल गया यू डैश इज इक्वल टू यू माइनस बी, अब ये क्या था, ये जो सेकंड पोस्टुलेट है आइंस्टाइन का उसको ये फॉलो नहीं कर रहा था, दिस ट्रांसफॉर्मेशन इज इक्वेशन नॉट फॉलो द पोस्टुलेट्स ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दैट इज गिवन बाय आइंस्टाइन। क्या थी सेकेंड पोस्टुलेट बच्चों, सेकेंड पोस्टुलेट था कि वेलोसिटी जो है लाइट की वेलोसिटी जो है
वो इन दोनों ऑब्जर्वर के लिए सी होनी चाहिए, मतलब कोई भी ऑब्जर्वर उसके लिए वेलोसिटी ऑफ लाइट सी है। अब सपोज करो यहां पे ये इवेंट हुआ जिसमें हमें लगा कि एक फ्लैश फ्लैश ऑफ लाइट ऑन की, पल्स डी जनरेट की, तो उसकी वेलोसिटी जो मेजर की वो यू डैश ने मेजर कर ली सी डैश। सपोज करो कि ये यू ने इसको मेजर किया, इस वाले यू ने जो ये ऑब्जर्वर से मेजर किया, डैट इज द वेलोसिटी सी माइनस बी। तो इसके लिए वेलोसिटी क्या होगी, अलग होगी भाई, सी माइनस बी होगी इस वाले ऑब्जर्वर, ये जो यू डैश है ये अलग होगा। सपोज करो इसको मान लें सी डैश, तो इसका मतलब है कि दोनों ने वेलोसिटी अलग अलग मेजर की, तो ये फेलियर आता है दो नंबर का क्वेश्चन। सो दैट द गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट विद द पॉस्टुलेट्स ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। तो ये हमने क्योंकि सी डैश अलग है, सी सी डैश क्या है, सी से माइनस बी, बल्कि होना क्या चाहिए, सी जो है वो जो कि एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड है कि वेलोसिटी ऑफ लाइट जो है वो सेम है, वो हर ऑब्जर्वर के लिए हर फ्रेम ऑफ मींस के रेफरेंस के लिए सी ही रहेगा। अब इसके बाद क्या, अब इसके बाद है कि लॉरेंज ने फिर क्या किया, एक और ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन दी, लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, जो कि उस इक्वेशन से फिर सी डैश इक्वल सी आएगा, ये हम आगे पढ़ेंगे। तो पॉस्टुलेट्स को यूज करके, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के पॉस्टुलेट्स को यूज करके लॉरेंज ने ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन दी, जिससे कि ये प्रूव हो गया कि जो जो पॉस्टुलेट है कि वेलोसिटी ऑफ द लाइट इन फ्री स्पेस इज ऑलवेज सेम फॉर द बोथ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, बोथ ऑब्जर्वर, अंडरस्टैंड। तो नेक्स्ट हम लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन पढ़ेंगे, और इससे पहले एक माइकलसन मोरले का एक्सपेरिमेंट भी था जो कि आइंस्टाइन ने क्या कहा था कि एवरीथिंग इज रिलेटिव, कोई भी फ्रेम ऑफ जो रेफरेंस है वो यूनिवर्सल एग्जिस्ट नहीं करती है, सारी फ्रेम क्या है, रिलेटिव है। तो पर माइकलसन मोरले ने कोशिश की थी एक कि कोई ईथर एक मीडियम एग्जिस्ट करता है जो कि एक यूनिवर्सल फ्रेम की तरह बिहेव करेगा। थ्योरेटिकली उसने ड्राइव किया, हम पढ़ेंगे आगे, फिर एक्सपेरिमेंटली क्या होगा, एक्सपेरिमेंटली वो फेल होगा, तो हम इन सब चीज़ों की डिस्कस नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू वेरी मच।